हेलो गाइस, माय नेम इज जयेश पारकर एंड आई एम करेंटली परसुइंग माय एमबीए फ्रॉम जेबीएमएस। एंड इन टुडेस वीडियो आई विल डिस्कस व्हाट विल बी माय अप्रोच इफ आई हैड टू क्रैक सीईटी एंड आई हैड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस स्क्रैच। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल गिव अ मॉक एज इट विल हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम। सो फॉर दोज हु डोंट नो, एमबीए सीईटी कंप्रेसेस ऑफ फोर सेक्शंस: लॉजिकल रीजनिंग which has 75 questions, abstract reasoning 25 questions, and quantitative ability and verbal ability 50 questions each. So in total you have 200 questions, and the total time that is provided is 150 minutes. So ideally देखा जाए तो आपके पास 1 मिनट से भी कम होता है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो सीईटी मतलब अगर आप देखो एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है। जैसे क्रिकेट में अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, ओडीआई, टेस्ट, T20। कैट इज लाइक अ टेस्ट मैच जिसके अंदर आपके पास टाइम होता है अच्छा खासा और आपको कम क्वेश्चंस करने रहते हैं। सीईटी इज लाइक T20, आपको हाई स्ट्राइक रेट पे खेलना है, आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आपको मॉक देना है तो ये टॉप 6 मॉक कोई भी आप दे सकते हो: सीईटी किंग, आईएमएस, टेस्ट पंडा, ELC, मॉक जोन और TCY। अगर आइडियली दो तीन अलग अलग मॉक टेकर्स के मॉक को सब्सक्राइब करो क्योंकि आपको डाइवर्सिटी मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा कि अगर आप एक मॉक एजेंसी के इसके अंदर अच्छा कर रहे हो और दोनों में अच्छा कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा ठीक है कि आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट विथ सीटी किंग के मॉक्स, बिकॉज उनके मॉक में एक फीचर है जिसके अंदर आप अपने आपका स्कोर और कॉम्पिटिटर का स्कोर जो टॉपर है उसके टाइम को देख सकते हो कि भाई उसने कितना टाइम स्कोर टाइम दिया था वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपको कितना लगा था। और अपार्ट फ्रॉम दैट सीईटी किंग के मॉक्स में मॉक्स के साथ टॉपिक टेस्ट भी आते हैं। जैसे कि अगर आपको कॉन्ड में एक स्पेसिफिक टॉपिक है क्लॉक्स एंड कैलेंडर, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके टॉपिक लेवल टेस्ट भी उस पैकेज में है। आई गेस 3 सेट्स रहते हैं, 25 क्वेश्चंस एक सेट में, टोटल 75 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं हर एक टॉपिक लेवल पे। तो जो आपका प्रिपरेशन मतलब मटेरियल आपको और कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो क्वेश्चंस उस टॉपिक टेस्ट में थे जब मैंने मतलब पिछले साल मैंने लिया था तो अच्छे डिसेंट क्वालिटी के क्वेश्चन है। हालांकि सी ई डी के मॉक्स की वैल्यू थोड़ी हायर साइड पे है तो आप देख लो, मतलब ये मेरा रिकमेंडेशन है, यू कैन ट्राई अदर एज वेल। मॉक देने के बाद द नेक्स्ट थिंग कम्स इज एनालाइजिंग योर मॉक। तो इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि आपको जो 200 क्वेश्चन है वो फिर से सॉल्व करें। नो मैटर इफ यू हैव सॉल्व इट करेक्टली वाइल गिविंग मॉक, अगेन सॉल्व इट नाउ वाइल मतलब सॉल्व करने के बाद फिर से देखो कि क्या कोई दूसरा तरीका है कि जिससे कि मैं क्वेश्चन को कम टाइम में कर सकता था। जैसे कि आई डू रिमेंबर लास्ट ईयर व्हेन आई गेव सीईटी इन माय स्लॉट, देयर वाज वन क्वेश्चन व्हिच इज लाइक इन व्हिच ईयर द कैलेंडर ऑफ 1988 विल रिपीट अगेन। सो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर अप्रोच है जिससे आपको मतलब लेट सपोज 50 सेकेंड या फिर 1 मिनट में आप कर सकते हो सॉल्व। बट ऑल्सो देर इज अ ट्रिक जिससे कि ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 1988 एक लीप ईयर है और एक लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है। तो इफ यू नो दिस ट्रिक लिटरली आप ये अपने मेंटल मैथ्स में कर सकते हो। जैसे कि 1988 में 28 जोड़ दिया 2016, तो 2016 विल बी द आंसर एंड यू विल मार्क इट एंड गो अहेड एंड दिस विल गिव यू ह्यूज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। अगर आप एक क्वेश्चन को अगर सामने वाले को 40-50 सेकेंड लग रहे और वही अगर आप एक स्मार्ट अप्रोच से 10-15 सेकेंड में कर पा रहे हो तो आपके पास काफी अच्छा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो जाता है। बाद में जब आप मॉक एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कौन से एरिया से जहाँ पे आप वीक हो और कौन से एरिया से जो आपके स्ट्रॉन्ग है। तो दो रीजन हो सकते हैं, एक तो आपको टॉपिक पता ही नहीं है, आप नॉलेज गैप है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो एनालाइज करने के टाइम पे ये देखो कि कौन से एरिया से आप लैग कर रहे हो, कितना लैग कर रहे हो और आप कितना इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड अगेन
ऐसा सर, अगर पॉसिबल है तो देखो कि बाकी लोगों ने कैसे परफॉर्म किया है। जो टॉपर है, जो आपने मॉक दिया, उसका टॉपर का क्या स्कोर है? आइडियली अगर टॉपर ने 150 स्कोर किया तो 10 नंबर कम, 140 जितना आपका टारगेट होना चाहिए इनिशियली, मतलब नॉट इनिशियली बट अगर आपको जेबीआई में सिखाना है तो उतना मतलब आपको स्कोर करना चाहिए उस मॉक में। आफ्टर एनालाइजिंग योर मॉक, ये गलती हर कोई करेगा, एनालाइज करने के बाद उनको पता चल गया कि वीक एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल वर्क ऑन द वीक स्ट्रॉन्गर एरियाज। क्यों? क्योंकि एक तो एक कंफर्ट जोन होता है कि भाई मेरे को इस टॉपिक, ये टॉपिक समझ में भी आ रहा है और इसके मैं क्वेश्चन बना भी पा रहा हूँ। बट और एक ये भी होता है कि अपने को लगता है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एरिया को इम्प्रूव करूंगा तो मेरे मार्क्स और इम्प्रूव होंगे, बट वैसा नहीं है। आपको आपके वीक एरियाज पे काम करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एलआर में 10 में से 6 आ रहे हैं अभी, तो आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना है? 4 मार्क्स का सिर्फ। वही अगर आप कॉन में अभी 10 में से 2 स्कोर कर रहे हो तो आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट 8 मार्क्स है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट डबल है एलआर के कंपैरिजन में। सो व्हाट आई मीन टू से सेइंग हियर इज, एक पॉइंट के बाद आपका स्कोर है ना स्टैग्नेंट होगा। जैसे आप मॉक देते जाओगे, जैसे आप प्रिपेयर करते जाओगे तो एक प्लेटो स्टेज पे आ जाओगे, और वो उसका रीजन यही होगा कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे ज्यादा काम कर रहे हो, वीक एरियाज पे आप कर ही नहीं रहे। तो इम्पोर्टेंट है कि वीक एरियाज पे काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप चाहते हो वो तभी मिलेगा जब आप अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव करोगे। स्ट्रॉन्ग एरियाज पे भी काम करना चाहिए बट ज्यादा टाइम वीक एरियाज को इम्प्रूव करने पे लगाना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो सीईटी इज अ स्पीड बेस्ड एग्जाम, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि भाई इसको मेरे को कैसे सॉल्व करना है, और वो आता है प्रैक्टिस से ही। मतलब आप 100 वीडियोस देख लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो खुद पेन पेपर लेके आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मॉक दो, उस पर एनालाइज करो, इम्प्रूव करो वीक एरिया पे और रिपीट करो। स्टेप 2 एंड 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचोगे कि भाई मैं मॉक दे दूंगा और सिर्फ उसको रिपीट करते रहूंगा, एनालाइज नहीं करूंगा, इम्प्रूव नहीं करूंगा वीक एरिया पे, तो आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होने वाला है। मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो जिस दिन आपने मॉक दिया उसी दिन एनालिसिस भी करो, और उसके अगले 3 4 दिन में जो आपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करी है उस पर इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। टॉपिक टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो उसके अराउंड, अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो, और बाद में जाके एक नेक्स्ट मॉक दो। सो दैट्स इट इसके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। दिस इज द वे आई विल अप्रोच और आई विल बिगिन माई प्रिपरेशन इफ आई हैड टू स्टार्ट प्रिपेरिंग फॉर सीईटी। ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू मेक मोर वीडियोज इन टर्म्स ऑफ, अगर मुझे कॉन को बिगिनिंग से करना है तो मैं कैसे करूँगा, एलआर को करना है तो कैसे करूँगा, सिमिलरली अदर सेक्शंस एज वेल। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।